प्रतीक्षा कर रहे थे? मुनि कुमारों, उस दिन अयोध्या में राम कथा का गायन करते हुए तुम ही आए थे ना? केवल राम कथा नहीं, सीता राम की कथा कहिए। हाँ हाँ, जानते हो उसी दिन से तुम दोनों हमारी आंखों में चित्रित हो गए। जाने क्यों, तुम्हें देखकर मन में एक अपनापन सा उमड़ आता है, जैसे कोई लगाव हो। किंतु पहले आप ये बताइए कि आज अचानक राजमहल छोड़कर इस वन में कैसे पधारे? अच्छा स्मरण करवाया, तुम्हें देखकर तो हम भूल ही गए थे। क्या तुम जानते हो यहाँ किन मुनि कुमारों ने हमारे अश्व को पकड़ रखा है? आप उनसे अश्व छुड़ाकर ले जाना चाहते हैं? वो यज्ञाश्व है, छुड़ाना तो पड़ेगा ही। वे मुनि कुमार अजय हैं। वे जय हैं या अजय, इसका निर्णय तो समय आने पर ही होगा। तो फिर देखिए, वो रहा आपका अश्व, ले जा सकते हैं तो ले जाइए। किंतु वे मुनि कुमार कहाँ हैं? यही है आपके सामने। तुम? हाँ, किंतु आप चकित क्यों हो गए? इसलिए कि जिनका तुम गुणगान करते हो उन्हीं के यज्ञाश्व को अपने अधीन करने की दृष्टता भी करते हो। हाँ, स्वयं आप ने ही तो अश्व के माथे पर लिखवाया है कि ये अश्व कौशल्या नंदन श्री राम का है। इसे पकड़ने वाले को श्री राम के साथ युद्ध करना होगा। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यदि आप वीर हैं तो हम महावीर हैं। आपने ही नहीं, हमने भी वीर माता का दूध पिया है। तुम जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माता का शुभ नाम, उससे आपका क्या काम? आप यहाँ नाम गांव पूछने आए हैं या युद्ध करने? हम व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहते। यदि आप अश्व चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। मुनि कुमारों, तुम बार बार मेरी वीरता को ललकार रहे हो, किंतु जाने क्यों मेरा मन तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों, आपकी वीरता का अभिमान कपूर की तरह जल गया? नहीं बेटो, ऐसी बात मत करो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। क्या आप हमारे पिता हैं जो हमें बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं? राजा के लिए सारी प्रजा ही बेटों जैसी होती है पुत्रों। फिर पुत्र कहा? आपकी प्रजा अयोध्या में रहती है, इस तपोवन में नहीं। हम स्वेच्छा से वन में विचरने वाले जीव हैं। अपनी अज्ञानी और झूठी प्रजा से हमारी तुलना मत कीजिए। मेरी प्रजा के लिए ऐसे शब्द? जैसा राजा वैसी प्रजा। जिसको अग्निदेव ने पवित्र माना हो, ऐसी सीता माता की निंदा करने वालों को और क्या कहा जाए? और ऐसी निंदनीय प्रजा की बात मानने वाले ऐसे राजा को हम क्या माने? यदि आपको प्रजा की बात माननी ही थी तो उस देवी को, उस गर्भवती माता सीता को वन में छोड़ने का आपको क्या अधिकार था? छोड़ना ही था तो उन्हें उनके पिता के यहाँ क्यों नहीं भिजवा दिया? उफ, तुम बार बार अपनी बातों से मेरे हृदय को भेद रहे मुनि कुमारों। किंतु जाने क्यों मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा। बोलो, न्याय और धर्म की बातें करने वाले तुम कोई देव कुमार हो या मुझसे युद्ध करने को उत्सुक कोई ब्रह्मरुद्र? क्यों, हमारी बातों से ही भयभीत हो उठे? हम केवल वनवासी मुनि कुमार है राजन, कोई और नहीं। ऐसी बात है तो सुनो, हम नारी बालक वृद्ध और ब्राह्मण पर वार नहीं करते, इसीलिए सोच में पड़ गए। ओ सूर्यवंशी योद्धा, आप इतने आदर्शवादी हैं तो ताटका को क्यों मारा? वो नारी नहीं थी। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, अश्व को छोड़ दो और हमारे सामने से चले जाओ। नहीं, हम ना अश्व छोड़ेंगे ना आपको। कहिए, आप हमसे युद्ध करेंगे या हमारी शरण में आना चाहेंगे? बालको, तुमने मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त कर दी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत पहले से तैयार हैं। We'll be right back.
शांति और उदारता के साक्षात अवतार प्रभु श्री राम को असमर्थ कह रहे हो? बिना कारण क्यों नष्ट होना चाहते हो? इनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। ये कर्णों के सागर हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे लड़कर देखो। राम जैसे विश्व विजेता से लड़कर विजय मिले या पराजय, दोनों ही अवस्था में हमें कीर्ति मिलेगी। तुम जैसे वानर से लड़कर क्या मिलेगा? क्या कहा? जानते नहीं कि हमने सोने की लंका में आग लगा दी थी? सोने की लंका को सीता माता के आंसुओं ने भस्मीभूत किया था, तुम्हारी उछल कूद ने नहीं। हाँ। अच्छा, तो तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? देखो। घबराओ मत, इस विराट रूपधारी वानर को छकाने का एक ही मंत्र है, ये राम नाम के लट्टू हैं। यदि तुम सब मिलकर राम नाम का पाठ करने लगो तो फिर देखो ये कैसे लोटपोट होकर भिंगी बिल्ली बन जाते हैं। बिल्ली